तो भाई पहुंच गए त्रिम्बकेश्वर मंदिर, फटाफट कपड़ा बदलते रोड पे और मंदिर में जाते। बदलो भाई बदलो यार, कपड़ा कुर्ता मार लिए चिकनकारी। तुम शर्ट पहन लो, शर्ट और ले आए हो, देखो हर चीज मन से नहीं चलेगी। चलो भाई, लौंडा तैयार हो गया। भाई लग गए हम भी सब भक्तों के साथ लाइन में, इधर और उधर लाइन है, लाइन में लग जाते हैं। तो भाई हमारा एक क्वेश्चन था कि जो शिवलिंग है वो थोड़ा अंदर की हुए, तो ये उधर लिखा हुआ है, तो स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि वो शिवलिंग अंदर की हुए, धसा हुआ की हुए जमीन में। अरे हमें खुद नहीं पता, पढ़ रहे का पढ़ के बताओ। कहानी नहीं निकलेगी, हम तुम्हें बता रहे हैं। ये क्या हुआ, कौन के दो में सबसे ज्यादा बड़ा है, पावर पड़ रही है, तो क्या हुआ, तो शिव जी ने बोला कि एक लोग उनका सर ढूंढने गए, ये बोला ऊपर गए नीचे गए, और एक उनका पांव ढूंढने गए, तो वो लोग जाते ही गए, वो नीचे जाते गए, ऊपर जाते गए, ना उनको सर दिखा और ना उनको चरण मिले, तो उन दोनों को नहीं मिला, तो वो दोनों समझते हैं कि ये अनंत है। अच्छा, मतलब ये मिल नहीं सकते, इसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। बाबा का हो गया शिव भोग आरती था ना भैया, भोग आरती अभी हुआ है बाबा का। 500 के लिए एक बित्ते की जगह से निकलते हुए ये आदमी, अब नहीं, अरे अरे हो गया, अब 500 लो। कुछ बोलना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे, कितने टाइम से लाइन में खड़े हो? ढाई घंटे से, 8 बजे चालू किया था, अभी 10:30 ऑफ सीजन में दर्शन बरोबर नहीं हो पा रहे, हम तो विश्वनाथ में सावन में लग गए थे। और कितने टाइम में, 15-20 मिनट बस, और महाकालेश्वर में भी रस्सी डाकी। भाई अभी अभी बाबा के दर्शन में, पहले हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए, पर अंदर से अच्छा लगा, लेकिन समय थोड़ा कम, बहुत कम समय मिला, लेकिन फिर भी हम लोग समय निकाल के ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वाइब अंदर अच्छी, बहुत तगड़ी बात, बाबा का दरबार है। और ये है त्रिम्बकेश्वर महादेव, आपका तीसरा ज्योतिर्लिंग, हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ। कल हमारा 4 हो जाएगा सुबह सुबह। औरंगाबाद विश्वेश्वर महादेव, थोड़ा फोटोज खींच के एक दो चलेंगे बाहर, ले लो, अगली बार आएंगे तो एंट्री करवा देंगे, करवा दोगे भाई एंट्री? आप पूछो फोन के साथ, इस बार दर्शन हो जाएगा भैया, क्या पूछ रहे, इस बार दर्शन हो जाएगा, इधर नहीं होता है विश्वनाथ जी में, तो होता है हर जगह, होता है चौवन रुपया बच्चे, भीड़ हर जगह ही इतना होता है, जो कर मेरे मम्मी ने मंगवाया एक शिवलिंग, वही ले लिया हम। अरे यार इधर तो दिखा नहीं सकते, इधर ही दिखाते ऐसा वाला, बस इसके ऊपर एक कलश है। पहुंच गए अभी नासिक रेलवे स्टेशन, और भैया लोग की अभी टिकट है 15-20 मिनट में, तो अभी थोड़ा हिसाब हो जाए कि इतना जो खर्चा हुआ है, हाँ, उसमें कितना कितना बट रहा है, और फिर हम बताएंगे कि खर्चा कितना हुआ, ठीक है? तो चलो फटाफट कर लेते हैं, चतुर्डियो। चलो भाई अब लास्ट बार खाना है भाई लोगों के साथ, उसके बाद तो सब अपने अपने घर रवाना हो रहे। नहीं भाई, हम अपने घर नहीं जा रहे। अरे पर चले जाओगे ना? हाँ, कल रात में जाएंगे, कल रात इसी स्टेशन से आखिरी में। तो भैया क्या लोगे? अपना अपना हिसाब करो, लो नहीं तो तुम्हारा जो हिसाब है वो बड़े घाटे वाला हिसाब। भैया लोगे क्या? तुम कर रहे हो ना अभी तो, किस बात का, क्या ले रहे हो बता, समोसे दिख रहे हैं, खाओ कैसा है, मैं कुछ खा लिया, हाँ तो शादी तोड़वा देंगे।
शादी टूट जाएगी तो अपने आप आ जाएगा, जब मित्र की लुगाई नहीं रहेगी तो अजय एक बार होता मित्र के साथ तुम्हारे के सामने थोड़ा नहीं भी छेड़ेंगे अभी तो बारिश गिरा। अरे आ गया रे, तो भाई अरे सब चले गए यार। तो भाई योगेश भाई और विवेक भैया चले गए औरंगाबाद की तरफ और हम रुके अभी मुंबई की ट्रेन के लिए, जो कि हम सामने आके खड़े हो गए इस गाड़ी के पास, जो कि नहीं एसी नहीं, हम जनरल से जा रहे हैं। क्या भैया? तो बस इसके बाद गाड़ी में चढ़ते देखते गर्दी है या खाली, जहाँ तक लगता है खाली होनी चाहिए, ये गाड़ी तो बम्बई जा रही है, देखते मुंबई। तो भाई हम अपने भाइयों लोग के साथ चढ़ गए ट्रेन में चालू कोच में, और भाई ये तो कुछ कर रहे रील बना रहे हैं, वो भाई अपना फोटो एडिट कर रहे हैं, और वो भाई को हमने पेविलियन वाली सीट दे दी है। पवन भाई हाँ, तो भाई ये लोग अपने काम पे लगे, हम तो चले सोने, अब जैसे तैसे इसी गर्दी में सो ले एक आध घंटा बैठे बैठे, बाकी कल सुबह देखा जाएगा। रो रे तो भाई ये व्लॉग को भी इधर ही खत्म करते हैं। हम लोग आ गए त्रिंबकेश्वर के ट्रिप से, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, और भी मेरे साथ थे फिलहाल अभी, और भाई कार देखो गाइस, मतलब कितना हाइट है रे भाई, इतना सा हाइट है, वाह बहुत कम हाइट है गाड़ी की। पर कौन सी गाड़ी है, होंडा भी ऐसी गाड़ी बनाती है? नहीं रे, ये मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड है, पर बहुत छोटा है रे ना। कूल कूल, तो भाई अच्छी कार है यार, मतलब मॉडिफाइड है, बहुत छोटी की है ऐसा लग रहा है, तो वरना को मॉडिफाई किया या तो होंडा सिटी को मॉडिफाई किया है। हाँ तो इस ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करते ये ट्रिप को, जो कि नासिक में हम हरिश्चंद्र त्रिंबकेश्वर कालू वाटरफॉल्स घूमे, ठीक है, और जल्दी हम नेक्स्ट ट्रिप पे भी जाने वाले, और मैं एक ट्रिप ऑर्गेनाइज भी कर रहा हूँ, वो सब की कहानी आपको आने वाले 2-3 ब्लॉग्स में पता चल जाएगी, पता चल जाएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पे तो भाई अपडेट देता ही रहता है। और इसके अलावा इस महीने एक नया डिवाइस आने वाला है ग्रुप में, बताएंगे बताएंगे, ठीक है, तो मिलते हैं कल, सब्सक्राइब करिए।